लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ। और लेट मी कन्फेस, मैं इतना अच्छा नहीं लिखती थी। पर एक रोज एक क्वेश्चन खुदा से किया, जिसका आंसर जिंदगी ने दिया। और जब उस आंसर को पेपर पर लिखा तो वो बन गई बेस्ट सेलर, टेल मी ओ खुदा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर आंसर बहुत डिफिकल्ट। मैं एक दिन मिरर के सामने खड़ी थी तो मुझे अपना रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा। पलट कर देखा तो मुझे अपनी परछाई नजर नहीं आई। Isn't that scary? और वहां से शुरू होता है मेरा सफर, माई जर्नी, जिसमें तानिया निकल पड़ती है तानिया की तलाश में। कितनी रेस्टलेस थी मैं उन दिनों। टू नो द ट्रूथ, टू नो दैट वन आंसर। ये है दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप, माई पेरेंट्स, माई स्ट्रेंथ, माई इंस्पिरेशन, जिन्हें मैं ये बुक डेडिकेट करती हूँ। और इस मुश्किल सफर को आसान किया मेरे दो बदमाश दोस्तों ने, जय और कुकी। We're late. Excuse me. Oh, on his heart in simple steps. Good evening, ladies and gentlemen. After the astounding success of her two books, I welcome you to the launch of On His Heart in Simple Steps. It gives me great pleasure to present star writer Tanya Kapoor. Thank you. अब ज़बान कोई भी हो पर दिल तो हर लड़की के सीने में होता है। तान्या कपूर की ये किताब हिंदुस्तान की हर भाषा में ट्रांसलेट हो रही है। एनी क्वेश्चंस? आखिर आप क्या सीख देना चाहती हैं आजकल के जवान लड़कियों को? सी गर्ल्स नो हाउ टू वू द राइट मैन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गलत आदमी के हाथ फंस जाते हैं, लाइक जर्क्स, ओवर पोजेसिव, यू नो, धोखेबाज, चिपकू, साइकोस, सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेल शोविनिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। गर्ल्स, ये घर से पिकअप करना, फिर छोड़ने जाना, कॉफी पीना, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो अंगूठी लेकर घूम रहे हैं ना, उसकी किस्मत में तानिया की उम्र नहीं है। प्यार तो मैं तानिया से ही करता हूँ। उसकी बुक पढ़ने के बाद कितनी लड़की अपनी बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट करेंगे। चलो एक दिल और टूट जाएगा। अब मैं पहला मौका मिलते ही तानिया को प्रपोज करने वाला हूँ। नमस्ते, हेलो, कैन आई आल्सो हैव एन ऑटोग्राफ प्लीज? हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, गुड लक। हाय, कैसे हो? गुड, और बढ़िया। अच्छा,
ताने कहाँ है यार? उधर है। Hey, cookie. Great. Hi. Hi. Wow. I can't believe it. सारी कैसी लग रही है? Second best. तो first best क्या है? जिससे लिपटी हुई है वो चीज. So cheesy ना. Who me? Yeah you. No, come never. On. Come come. Hello. Hello everyone. It's so nice to have all of you here for my mom and dad's 25th wedding anniversary. The best parents in the world. They look so beautiful. So cute. Hello Shiha ji. Oh Kapoor sahab, shaadi ki salgirah mubarak ho. Thank you. Thank you. Bye. Thank you beta. Kapoor sahab, ye to bataiye aapke shaadi ke 25 saal guzre kaise? Ha ha bataiye bataiye. Khushi ka mauka hai to बेगम साहिबा इजाजत फरमाइश हो रही है तो हुजूर हजरत गौर से सुनिए हमारी जिंदगी के बड़े गहरे राज खोलने जा रहा हूँ हाँ। बेरुखी से इनकी रुख न मोड़ा मैं अपनी जिद से इनकी जिद को तोड़ा मैंने आई न माथे पे शिकन दिल शिकनी से इनकी तो फिर क्या हुआ अरे फिर क्या हुआ यार मुस्कुरा कर लिपट गई बेशर ये जो तुम्हारी तस्वीर है ना हाँ डैड इसको इलाज कराते हैं yep. जय इज लुकिंग वेरी स्वीट इन दिस है सूट वुड भी ठाट का है हेलो तान्या
Hi, Merlin. Bolo, Tanya. When are you writing your next book? One second, Merlin. Hold, please. Yeah. Dad. Dadaji ki purani kitabe kahan hain? Mujhe inspiration ke liye chahiye. Jab se tumne aur tumhari mummy ne ghar redecorate kiya hai na, mujhe to apna kamra hi nahi milta. Kitab kahan? Dad, mujhe reference ke liye chahiye. It's urgent. Basement mein dekh lo, bechari kahin padi hui hogi. No? Yeah, Merlin. Yeah, the book's idea is... बहुत से आइडियाज हैं मेरे पास. Trust me, it's going to be bigger and better than the earlier book I wrote. What's that? Are you okay? Marketing strategies. We'll get you a new woman cover. An interview with Meri Saheli. Teri kitab pe reality show karte hain. Now, get going. Tanya, there's a lot more... Can I please call you back? Okay. Adoption date, 24th August 1987. Bombay Hospital. पापा थक गए भाई, तानिया बहुत जोर से भागती है। ओह तानिया कितनी बड़ी हो गई, ओफ ओफ ओफ, पापा से भी बड़ी हो गई तानिया बेटा हमारा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग। तानिया माय बेबी। मम्मी, माय मम्मी। कम टू मम्मा, कम कम कम। आज स्कूल में तुम्हारा इंटरव्यू है ना? हाँ मम्मी। तुम्हें सब याद है ना जो मम्मी ने सिखाया? So tell me, what is your name? My name is Tanya Ravi Kapoor. And what is Papa's name? My Papa's name is Ravi Kapoor. Mama's name? My mommy's name Shikha Ravi Kapoor. Very good. Ah, sab yaad hai mere bachche ko, sab yaad hai, my sweetheart. ये रही तुम्हारी गुड़िया और ये रही तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। Only for my darling. मेरा जन्म झूठ, मेरी 24 साल लंबी जिंदगी झूठ। मुझे पता नहीं मेरे असली माँ बाप कौन है, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। मुझे ये भी नहीं पता जिन्हें मैं मम्मी पापा कहती हूँ, उन्होंने मुझे क्यों पाला। मेरी जिंदगी का सच तो अब उन्हीं से पता चलेगा जिन्होंने जन्म देकर मुझे अनाथ कर दिया। अरे पिछले 6 घंटे से कुछ नहीं बोल रही है। अरे कुछ तो बोल यार, कुछ तो यार। अरे वो मेरा लाड। अरे नो 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 नो, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, इट्स फॉर मी। जय। हाँ। तुम जिस तानिया से प्यार करते हो ना, वो मैं नहीं। मेरी रियलिटी कुछ और है। मैं एक ऑफन हूँ। तानिया का मतलब पता है? ऑफ द फैमिली, घर की, फैमिली की बेटी। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं बेटी किसकी हूँ।
तान्या किसकी हूं मैं? तान्या come on, ऐसा नहीं सोचता. Everything is just the same. भाई क्या फर्क पड़ता है कि तुम उनकी अपनी बेटी नहीं हो? उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है ना. Come on, तान्या, this is ridiculous. और देखो मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ. अच्छा, listen. एक मिनट मेरी बात सुनो तान्या. अब वहां क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं आती? कहां थी अब तक? व्हाट इज द मैटर? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? यहां तो मारे परेशानी के दम निकला जा रहा है इनका. क्या हो रहा है ये? अगर इतनी देर होने वाली थी तो फोन ही कर देती. हमेशा करती हो. कुछ पता है क्या वक्त हो रहा है? पता है पापा, मुझे सब पता है. सुनो, खाक पता है तुम्हें? क्या पता है? मुझे ये पता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं. क्या ये जानना इतना जरूरी है कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन हैं? मैं ये बात सोच के अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहती कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया. प्लीज अंडरस्टैंड. प्लीज आई हैव टू नो. कुछ कमी रह गई क्या हम लोगों से जो तुम? नो मॉम, आप दोनों परफेक्ट हो. I'm proud कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स थे, हो और रहोगे. आप दोनों की जगह और कोई नहीं ले सकता. मैं बस एक बार जाकर देखना चाहती हूँ कि वो लोग कौन है. I just want to know. कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बात से हमें दूरी आ जाएगी? बेटा, अगर खुदा को तुम्हें ये बात बतानी ही है तो रास्ता भी तुम्हें वही सुझाएगा. हम तुम्हें जाने की इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते. डैड, क्या आपको लगता कि कभी ऐसे हो सकता है? All right, हम तुम्हारे साथ हैं. Love you. Excuse me. बोलो. मेरा नाम तान्या है. हाँ. मैं अपने माँ और बाप को ढूंढने आई हूँ. अरे वाह, इस उम्र में लड़की लोग जॉब ढूंढते हो ना, आप माँ बाप ढूंढ रही हो, वाह वाह. पर क्या बताओ, आपको बाप दो टाइप के होते हैं, एक लायक बाप और दूसरा नालायक बाप. लायक बाप मेहनती होता है, वो बच्चे पैदा करता है, बराबर है? और नालायक बाप बेकार होता है, वो कुछ काम नहीं करता इसलिए बच्चे पैदा करता है. लेकिन मुझे लगता है आपको लायक बाप की तलाश है, am I right? जी. लेकिन लायक बाप में भी तीन टाइप के लोग होते हैं बाबा. एक शादीशुदा, तलाकशुदा
और गुमशुदा। और मुझे लगता है आपको गुमशुदा बाप की तलाश है, है कि नहीं? जी। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम पता करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। नाम नहीं मालूम हो तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपका? सर देखिए, मैं समझाता हूँ। 24 साल पहले इस हॉस्पिटल में आग लगी थी। 1986? अरे बाप रे। अरे वो जो आग लगी थी जिसकी वजह से तो पूरा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए। फाइल का पता नहीं कौन सा फाइल किधर रखा है, इधर रखा है कि उधर रखा है। वो टाइम पे 3 वार्ड थे, आज 6 वार्ड है। टाइम बदल गया है बच्चे लोग। वो टाइम पे 3 वार्ड के 100-100 बच्चे लोग थे और उनके माँ बाप अब कौन किधर है कैसे मालूम पड़ेगा? उसके अंदर आपके माँ बाप किधर है? हाउ कैन आई टेल यू? देन हाउ डू यू टेल कि बच्चे के माँ बाप कौन है? हाथ देख के। अच्छा आप ज्योतिष भी हैं? अरे नहीं बाबा, बच्चे के हाथ की कलाई पे ना टैग होता है और वो डिस्चार्ज होने तक साथ में रहता है। क्या ज्योतिष की बात करता है? मैं क्या पोपट वाला देखता हूँ तुमको? Something like this? अरे बाप रे, तो पूरा घिस गया, 24 साल पुराना है। इसमें कुछ अक्षर तो दिखता नहीं है, खाली ये दिखता है मेरे को ये। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डैडी का नाम ये से शुरू होता है, वार्ड सी। अब ये तुम्हारा डैडी नहीं है, ऐसा समझो कि मैं अपने डैडी को ढूंढता हूँ। Now you will see the responsibility of the municipality. Wait, कौन बनेगा आपकी माँ का पति? तुमको यही अस्पताल मिला था ये पैदा होने को? कुकी, दाने दाने पे लिखा है चबाने वाले का नाम, वैसे ही फाइल फाइल पे लिखा है चाइल्ड के बाप का नाम। ये देखिए चाइल्ड का बर्थ ऑफ डेट, 24th August 1986। यू आर सो लकी, आपके डैडी का नाम है अभय राणा प्रताप सिंह। ग्रेट, प्रतापगढ़ राजस्थान। फैंटास्टिक, हैप्पी? आप है महान। थैंक यू। मेंशन नॉट बोल के बोलते हैं। पीट तो चुके हो, अब हुक्म लेके और पीटने चाहते हो? निर्दयी। पानी की चोरी गलत है, लेकिन ऐसी नौबत आ जाए यह और भी गलत है। राजा राष्ट्रकृतम पापम, राज्य में हुए पाप का जिम्मेदार राजा होता है। आप कलेक्टर को बुलाइए और पंप लगवाकर यहां का पानी गांव तक पहुंचाइए जी। और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। छोड़ दो सबको। राणा साकी जय हो, राणा साकी जय हो, राणा साकी जय हो, राणा साकी जय हो। सुमेर सिंह, हुकुम। वो जो लोग पकड़े गए थे उन लोगों को चोरी की सजा होना जरूरी है। वो तो राणा साहब का हुकुम था कुंवर जी। सिर्फ हुकुम से हुकूमत नहीं चलती है सुमेर सिंह जी। राणा साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए। उनके रिटायरमेंट के बाद सत्ता मारे को ही संभालनी है। आप लोग भी अब इस चीज की आदत डाल लीजिए सुमेर सिंह। सुनो राणा साहब की, लेकिन हुक्म मारा बजाओ। लोगों के मन में राजा के लिए आदर कम, दहशत ज्यादा होनी चाहिए। जी हुकुम। राणा साहब, बॉम्बे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि अगस्त 1986 में आपकी वाइफ हाइनेस राजेश्वरी देवी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। ड्यू डेट से 2 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर्स को उनका ऑपरेशन करना पड़ा। और उस ऑपरेशन में डॉक्टर्स ना रानी साहब को बचा पाए और ना ही हमारे बेटे को। बाय द वे, हमारा बेटा था
बेटी नहीं सर, मेबी देयर वाज अ मिस्टेक। नाना कोई मिस्टेक नहीं राणा साहब, जब रानी साहब ने कुंवर जानियो खुद मुझे फोन क्यों पन्ना ने। दीवान जी का परिवार 16 पीढ़ियों से हमारे वफादार रहे हैं, 16 जनरेशंस ऑफ लॉयल्टी, एंड यू थ्री स्ट्रेंजर्स किसकी मानो? हाँ साइंस को तो मानते होंगे आप। तान्या आपकी बेटी है या नहीं ये बहुत इजीली प्रूव हो सकता है सिर्फ एक डीएनए टेस्ट से। हाउ डेयर यू राणा साहब, मैंने डीएनए टेस्ट बिल्डर के आदमी लगे हैं वो क्या हुआ है उनको? होटल बनाना चाह रहे हैं लोग आपसे। शहर में जब कोई बुरा काम करता है तो पुलिस उसका डीएनए टेस्ट करती है। आप कौन के क्या पकड़ो से? हां बाहर काढ़ो तरो डिनर। सुमेर अब किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया ये लोग कौन हैं और यहां किस लिए आए। और तुम पहले नहीं हो, बहुत से बिल्डर्स कोशिश कर चुके हैं इस हवेली को होटल बनाने की, अब ये बाप ढूंढने का नाटक कहीं और जाके करो। बहुत से हवेलियां बिकने को तैयार हैं राजस्थान में, बट माय हेरिटेज इज नॉट फॉर सेल। सर आप गलती कर रहे हैं। गलती तो हमसे हुई है जय, यहां आने की। आई एम सॉरी हमने आपका टाइम वेस्ट किया, लेट्स गो गाइस। कुकी पन्ना, सुनो पन्ना। हाँ बोलिए। यहाँ एक बहुत बड़ी आफत आते आते टल गई है। क्या हुआ? अच्छा तुमने हरानिस की बेटी वाली बात और किसी से तो नहीं कही ना? नहीं तो क्यों? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ मुंबई से कुछ लड़के लड़के आए हुए हैं और वो राणा साहब से कह रहे थे कि उनकी लड़की हुई थी, लड़का नहीं। मतलब वो लोग जो कह रहे थे कहीं राणा साहब को? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राणा साहब ने तो उन्हें उल्टे पांव लौटा ही दिया है। औरतों के आंसू को कौन देखता है यहाँ, ये लो पी लो। मेरे पियर के मटके का पानी है, बहुत मीठा है। वाह गीता भाभी, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कर लिया। हाय, अंदर मौका ही नहीं मिला। आई एम मंजरी। आई एम तानिया। थैंक्स गीता भाभी, राइट? बिल्कुल राइट, विराट भैया की वाइफ। विराट भैया तौसा के भतीजे, और तौसा से तो तुम मिल ही चुकी हो। पता है भाभी, अंदर बड़ा टेंस मामला हो गया था। तौसा इनके फ्रेंड की लेफ्ट राइट ले रहे थे कि इन्होंने तो तौसा की बोलती ही बंद कर दी। माय गॉड, इतना बड़ा ड्रामा मैंने कभी। आई गॉट टू गो, थैंक्स। तानिया तुम उनकी बेटी हो सकती हो, तुम तौसा की तरह स्ट्रांग हो और रानी माँ की तरह खूबसूरत। तुम जानती हो रानी माँ के बारे में? मेरी माँ जानती है, वो रानी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? वो तो गंगोत्री गई है, लेकिन यहाँ रहती है तो मेरे कान पक जाते हैं रानी माँ सुन सुन के। वो कहती है रानी माँ इतनी ब्यूटीफुल थी, तौसा रियली लव्ड हर। इसलिए तो रानी माँ के ऑफर जाने के इतने सालों बाद भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी माँ कहते कहते मर गई कि एक कुंवर मिल जाए, एक वारिस। वारिस यही तो यहाँ सबको चाहिए। 25 सालों में यहाँ कुछ नहीं बदला। मतलब? ये गीता भाभी की तीसरी प्रेगनेंसी है, पिछले 2 बार सोनोग्राफी कराए तो पता चला लड़की है, और लड़की किसे चाहिए? इसलिए दैट्स इलीगल। यहाँ बेटी पैदा करना ही इलीगल है, लेकिन इस बार मैं ये इलीगल काम करके रहूंगी। अगर राणा साह की खुद की बेटी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी जब तक वो तुम्हें अपनी बेटी ना मान ले। और मानेंगे क्यों नहीं, माँ भवानी ने जो तुम्हें भेजा है। गाइस वी आर स्टेइंग बैक। मुझे माँ भवानी ने भेजा है। हाँ? अगर राज परिवार पर रिसर्च करना था तो ये सब नाटक क्यों? ये मेरा ही आइडिया था कि तानिया आपकी बेटी होने का नाटक करे,
क्यों? ताकि ताऊसा वो आपका रियल गुस्सा देख सके, वो ये देख सके ये कोई आम फैमिली नहीं है, दिस इज रियल रॉयल्टी। कम ऑन ताऊसा, गलती मेरी तो सजा उन्हीं की हो, प्लीज माफ कर दीजिए ना उन्हें। ओके तूने वापस बुला लू? हाँ हाँ बुला लो, उन्हें ये देखने को मिलेगा कि रॉयल हॉस्पिटैलिटी क्या चीज होती है। यस और वो हमारी स्पीच भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कैमल रेस के दिन। राणा साहब हुकुम रेस जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम देते हैं। मैं राणा साहब की गोद में अपने बेटे को रख के कहता कि राणा साहब हर गली चौबारे में डंका बजवा के कह दीजिए कि आपकी विरासत का वारिस मिल गया है। कहीं बेटे की जगह बेटी पधाराई तो? क्या मतलब? आज तो ये बात कह दी तूने, आइंदा से ऐसे अपशब्द अपनी जबान पर मत लाना। जन्म तो तुझे बेटे को ही देना पड़ेगा। क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करते इसलिए आपकी रिसर्च की शुरुआत यहीं से करते हैं। शो यह है ठाकुर वीरेंद्र विजय सिंह। सन 1530 में इन्होंने बाबर को राजपूताना से खदेड़ा था। आई सी। और ये इनके पुत्र ठाकुर वीर विभिन्न सिंह, इन्होंने शेर का दूध निकाला था। अच्छा अगर निकाला भी होगा टेक्निकली तो शेरनी का दूध होगा, शेर का कैसे? थारा दूध निकालो के। यू आर नॉट टेकिंग नोट्स? ऑफ कोर्स यस आई एम। देखो अगर कुछ भी गलत सलत लिखा तो सुमेर सिंह हुकुम इन दोनों को सब कुछ अच्छी तरह याद करवा दो। मंजरी विराट जी अगर इस बार कैमल रेस ना जीते तो? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। क्यों? विराट भैया कैमल रेस इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके हाथ में किसी और को रेस जीतने ही नहीं देते। अगर कोई रेस जीतना भी चाहे तो उनके आदमी उस पर जानलेवा हमला करते हैं। क्या मैं इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्या तुम? हाँ तानिया, कैमल राइड देखने में जितना आसान होता है एक्चुअली होता नहीं है, और आज तक इस रेस में किसी भी लड़की ने भाग नहीं लिया। ये रेस बहुत खतरनाक है। मंजरी अगर इस खतरे को लड़के फेस करते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूंगी और ये प्रूव करूंगी दैट गर्ल्स आर नो लेस। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? Watch it. जय कुकी अब... तानिया, we have to go back. हम यहाँ नहीं रह सकते तानिया। क्यों? क्या हुआ? Behave. कि अंग्रेजी में बकरे था ताने लोग? हाँ, हाँ? Do we really need to do this, man? यार तुम लोग रिचार्ज करने को आए थे क्या? ढिन्ने की बात कर रहे हैं? अब हाँ निकलता तारा ढिन्ने। हाँ? एक तो, वो, चुप, सत्ता। Guys, this is serious. We must leave and that too today. या, जय, अगर तुम चले जाओगे तो कैमल रेस के दिन ट्रॉफी के साथ मेरी विनिंग स्माइल वाली फोटो कौन खींचेगा? ताने अब फोटोग्राफ। Hey, wait a minute. तुम कैमल रेस करोगी? हाँ मैं कैमल रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। ये कैमल रेस करेंगी? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? क्या हम यहाँ राजस्थान में घूमने आए हैं? पता है अंदर से मैं कितनी परेशान हूँ। तान्या, तान्या, तुम्हारी परेशानी बिल्कुल ठीक है लेकिन जय हम यहाँ मेरे फादर से मिलने आए थे जिन्होंने आते ही मुझे रिजेक्ट कर दिया जैसे उन्होंने मुझे पैदा होते ही किया था जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। I know, Tanya, but your camel race,
You know how difficult it is? I know. लेकिन उन्हें मुझे अपनाना ही होगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी रगों में भी उनका राजपूती खून दौड़ रहा है और इसलिए कैमल रेस तो क्या, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ऑलवेज। दैट्स माय ब्रेव गर्ल, लेट्स डू इट। मंजरी, हाँ, इतने बड़े कैमल पर हाउ डज वन गेट ऑन इट? ट्राई करके देखो। नाम क्या है सोन का? ये सदाम। सदाम, वाओ। थोड़ा संभाल के। Be careful, Tanya. Okay? Ah, oh! Tanya! 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 माँ भवानी को कोई और नहीं मिला था? रंग रातोड़ राणे जिरिया कीरो रंग लीलो में दीरो पान के सुड़ो के सरसों करो रंग पीलो सनेरी खान सात गामरो जोशी आयो आठ कलर रो मोती सात गामरो जोशी आयो आठ कलर रो मोती लायो रेशमी डोरी सांबांदो रेशमी डोरी सांबांदो गुरमांदे नखेराड़ो आली लामा वो गुरमांदे नखेराड़ो मेरा मन जब से रचा है सवरिया तेरे रंग तब से न जाने है कैसी ये उमंग बजता है जैसे कि मन का मोरचंग अब तो इस दिन राग है नया हर पल हर छिन राग है नया मन आंगन में गूंजती है सरगम सरगम तुलसी क्यारे रंग रंग है सब गलियारे रंग रंग है चौक चबारे रंग का है मौसम हिरो मारो ढूंढे रे प्रेम को चारो लो मत आरो आलीला मारो मत न करो जाने क्यों फिर के है जाने क्यों मेरा अंग अंग अपनी ही मस्ती में झूमे रे मलंग बजता है जैसे कि मन का मोर चंग तो इस दिन राग है नया हर पल हर छिन राग है नया मन आंगन में गूंजती है सरगम सरगम तुलसी क्यारे रंग रंग है सब गलियारे रंग रंग है चौक चबारे रंग का है मौसम रेस यहाँ प्रतापगढ़ फोर्ट से स्टार्ट होगी और फिर यहाँ मार्केट से होते हुए वी रीच द फ्लैटलैंड्स एंड आफ्टर दैट वी रीच काला डूंगर यहाँ से क्यों हम यहाँ से क्यों नहीं जा सकते क्योंकि ये एक ही रास्ता है पूरा यहाँ से घूमकर और ये झंडों का क्या चक्कर है वापस पहुँचने पर अगर तुम्हारे पास झंडा नहीं है तो यू आर आउट ऑफ द रेस डिस्क्वालिफाइड यानी कि हम सबके सब झंडे निकाल दें तो ये सबके सब रेस से बाहर दैट्स अ ग्रेट आइडिया ओवर एंड आउट धीरे धीरे पवन ये धीरे धीरे चले तेरी भंसी कान्हारे धोकनी जिसमें ये जिया जल मरे करे क्या जब से हुआ है तू मेरे संग संग उठती है सीने में रह रह के तरंग बजता है जैसे कि मन का मोर चंग अब तो इस दिन
वाओ तानिया ब्रिलियंट इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप रोज रात को यहाँ अकेले खेलते हैं लेट कर नींद का इंतजार करने से तो यही बेहतर है ना एक बात पूछूं राणा सर हाँ हाँ पूछो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की अगर हमने रानी साहिबा से कम प्यार किया होता तो शायद हम दूसरी शादी कर लेते पर ऐसा नहीं था हम उन्हें बहुत चाहते थे लेकिन हमारे भाग्य में कुछ और लिखा था हम रानी साहिबा के साथ साथ अपने इकलौते बेटे को भी खो बैठे अगर आज हमारा बेटा यहां होता तो और अगर आपकी बेटी यहां होती तो हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं रानी साहिबा ने बेटे को जन्म दिया था मगर उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थे हाँ? आपका शॉट हाँ ये शॉट तो मैं आंख बंद करके भी खेल सकता हूं आंखों से देखना कितना जरूरी होता है ना और आपने सिर्फ सुना था कि आपको बेटा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि रानी सा ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो जिंदा हो और उसे आपके सामने इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि वो बेटा नहीं बेटी थी गुड नाइट हुक्म राणा साहब दीवान जी आज से 24 साल पहले महारानी साहिबा ने बेटे को जन्म दिया था या बेटी को जी वो मुझे मुझे तो एक फोन आया था तो मैं बस दीवान जी बस जिस जबान पर सच्चाई होती है वो कभी लड़खड़ाती नहीं आज आपकी जबान पर से हमारा भरोसा टूट गया पन्ना गई थी ना रानी साहिबा के साथ सच्चाई उसी से पूछेंगे जाइए अब जाइए प्रतापगढ़ के वासियों सर्वविदित है कि इस बार रोड दौड़ की फाइनल में चार शहर के 40 सवार हिस्सा ले रहे हैं पिंक पगड़ी में है पिंक सिटी जयपुर के सवार नीली पगड़ी में ब्लू सिटी जोधपुर के हरे में हरिपुर के और केसरिया बाना पहने हुए हमारे प्रतापगढ़ के सवार और अब महाराणा अभय प्रताप सिंह जी राणा साकी जय 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 कहने को ये कैमल रेस है पर ये सिर्फ कैमल रेस नहीं है ये कैमल रेस एक बहाना है आप लोगों के थोड़ा सा और करीब आने का तो चलो शुरू करते हैं हमारी शुभकामनाओं से We'll be right back.
प्रॉब्लम, क्या हुआ? शॉर्टकट। जीनियस तान्या। युवराज कालडोंगर पहुंचे से। अरे इन सब को रोक लो। इनमें से कोई भी कुंवर विराट सा के आगे ना जा पाए। कुकी, मैं इनको रोकता हूँ। तुम सारे फ्लैग उठा लो। एक भी छूटने नहीं चाहिए। मत मार, मत मार, मत मार, मत मार। देखता हूँ ताने को जीतने से कौन रोक सकता है।
पुराने खलीफों से जब कोई नया खिलाड़ी बाजी मार ले जाता है तो वो खेल यकीनन दिलचस्प होता है। हालांकि जो हारा है वो हमारा अपना भतीजा कुंवर विराट सिंह है, लेकिन इसका हमें अफसोस नहीं है क्योंकि जो जीता वो भी उतना ही हमारा है। इधर आओ नौजवान, हम इस चुनौती का पूरा चेहरा देखना चाहेंगे। और जीत को मुंह छुपा कर नहीं सर उठा के जीना चाहिए। आओ ये छोरी, ये छोरी को तो सजा मिलनी चाहिए हुकुम। ये छोरी ने तो सारा खेल को उलट पलट कर दिया है। अब तो इस जीत का अधिकार विराट बन्ना को मिलना चाहिए हुकुम। ये छोरी छोरा बनके मर्दों के खेल में शामिल हो गई। अरे लड़कियों को उनकी रेस में भाग लेने की इजाजत नहीं है, समझी? विराट, लड़की से हार गए हो, ये तो और भी बुरी हार हुई है। शांत हो जाइए, ये अलग बात है कि आज तक इस रेस में किसी लड़की ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन लड़की हिस्सा नहीं ले सकती ये किस कानून में लिखा है बताओ? राणा साहब, आप ये ट्रॉफी विराट जी को दे दीजिए, मुझे सिर्फ आपसे मुंह मांगा इनाम चाहिए। क्या? हर माँ के दिल से बेटी पैदा करने का दर्द मिटा दीजिए, जिसकी शुरुआत आप गीता भाभी से करें। गीता? नहीं, गीता सिर्फ बेटे को ही जन्म देगी। ये क्या बेटी की बकवास कर रही है? क्या आप शराब पक रही है? ये सच कह रही है। मतलब तुमने? विराट, गीता ने तुमसे वही कहा जो तुम सुनना चाहते हो। अगर गीता ने बेटी को जन्म दिया तो वैसा ही जश्न मनाया जाएगा जैसे एक बेटे के जन्म पर होता है। राणा साहब, जो गलती हमने की थी और जो तुम करने जा रहे थे वो अब इस रियासत में नहीं दोहराई जाएगी। जानते हो, हमारी बेटी जिंदा है। हमारे बेटे की जिद ने 24 साल से उसे हमसे अलग रखा। जो कैमल रेस में तुम्हें हरा सकती है, जो रेस जीतकर अपने लिए नहीं गीता और यहां की तमाम औरतों के लिए इंसाफ मांग सकती है, ये तानिया बेशक हमारी बेटी है। बाप जी! पन्ना, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए हो। मां, तुमने तो हमसे झूठ बोला था पन्ना, लेकिन देखो हमारी बेटी ने हमें ढूंढ लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ उस झूठ के लिए राणा सा। कैसा झूठ? हुकुम, ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है मंजरी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? ये सच है हुकुम, हर हैनेस ने मंजरी को जन्म दिया था। इसे जन्म देकर वो चल बसी। उस समय हॉस्पिटल में भयानक आग लग गई। मैंने बच्ची को बचा लिया और दीवान जी को फोन किया, लेकिन इन्होंने कहा कि माँ जी ने मना किया है छोरी को घर लाने से। फिर मैं क्या करती? मैं इस बच्ची को लेकर अपने मैके चली गई और इसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। जिंदगी ने हमारे रवैये की अच्छी सजा दी हमें। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने थी और शायद आज भी ना मिलती अगर तानिया, 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 तानिया।
तान्या, तान्या, क्या हुआ? इधर आ, यहाँ बैठो। तुम जानती हो, कभी कभी सफर में ही मंजिल होती है। मान लो तुम एक टूरिस्ट की तरह कहीं घूमने निकली, लेकिन तुमने मील के पत्थरों को नहीं, दिलों को छुआ। जरा सोचो, कम से कम तुमने एक बेटी को उसके बाप से मिलवा तो दिया, है ना? Isn't that something? तुम अपनी बुक से कितने लोगों को इंस्पायर करती हो? Come on, cheer up, cheer up. Little smile, beautiful, beautiful. Lean more towards me. Yeah, all right. Here we go. Awesome. One sec. Hello, excuse me. फुटे बोल रहा हूँ। तानिया किधर है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, अरे फोन देने लगता है। राइटिंग में बिजी होगी, बताइए ना क्या काम है। अरे हमने हॉस्पिटल रिपेंटिंग करवाया ना, तो आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या है, पेंटिंग हुआ तो सफाई हुआ, सफाई हुआ तो नया फाइल मिला है। What? लिखो लिखो लिखो, नाम लिखो, EIFT अल्ताफ, अल्ताफ जरदारी, अल्ताफ जरदारी। जरदारी पाकिस्तान। इधर के जरदा खाने वाले कमती है क्या? अल्ताफ जरदारी, और ये सब हैं कहाँ? जय बांद्रा गया था जहाँ वो रहते थे, लेकिन तब पता चला कि वो इंडिया में नहीं रहते, टर्की में रहते हैं, कास नाम की किसी जगह में। टर्की? All right, Turkey then. Yeah. Sorry, sorry. Altaf, shakal arda ne öldürüyor orasını ya. Hey dinle, bu çok pahalı şarapdar. Dikkat eyle, Şerife. Borsa nasıl? Hello. Hello. I'm calling from Mumbai, India. Can I speak to Altaf Zardari, please? कौन बोल रही हैं आप? मेरा नाम तानिया है। मैं उनकी बेटी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। No, this is the wrong number. लेकिन ये हेलो हेलो अल्ताफ की मुँह कौन है? अल्ताफ कोई नहीं, कोई गलत नंबर था। क्या हुआ? उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर, पर इस द राइट नंबर जय। मैंने सुना किसी ने उन्हें अल्ताफ कहा। That's strange, क्योंकि जो नंबर और एड्रेस में लाया था बिल्कुल करेक्ट है। जय, हम टर्की जाएंगे। जरदारीज? यस, मिस्टर एंड मिसेस जरदारी। कैन आई मीट हर? नो, शी डजंट मीट एनीबॉडी। व्हाई? इट्स मोर देन 20 इयर्स सिंस शी हैज लॉस्ट हर डॉटर। सर, थैंक यू, वेलकम। लेकिन उन्हें पता नहीं उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। लेट्स होप सो। ओह, ब्यूटीफुल। क्या उनसे इस वक्त बात करना ठीक रहेगा? ट्राई करके देखता हूँ तान्या। लेट मी सी। हेलो, माय नेम इज जय। आप अल्ताफ जरदारी की वाइफ हैं? हाय। एक्चुअली बात यह थी कि बरसों पहले मुंबई में आपकी एक बेटी हुई थी और फिर आपने उसे खो दिया। क्या आप शट अप, गेट आउट ऑफ माय हाउस। देखिए प्लीज अल्ताफ, अल्ताफ, हु आर दे? नो दो किम बुनार, किम बुनार ने गाल दिलर? या हाय किम बुनार, साकेत आप चलो सीना पीछे आप मैं खाल कर सा ओल्डर बुनार, गेट आउट ऑफ माय हाउस। नोल बोला यार आत्मा, बोला यार आत्मा, पक्षाना उन लार दोस्त दोस्त, साकिन और जानो, साकिन और।
This used to be my favorite nursery rhyme book. Is this for a baby? Must be very beautiful. Just like you. Dekhna hai? Come. Come. She's so beautiful. Yes, she is. Ashkum, Adi, Uyan, Adi. Jab baby uthegi, you can play with her, okay? Ashkum, yeah, San Benim Karnum Daikan. When you were inside me, I knew when you wanted to sleep, huh? When you wanted to play. I love you so much, my love. My Janashin. मिलनी है मेरी बेटी से? जी हाँ, और एक बेटी भी अपनी माँ से मिलकर आ रही है। अब आप लोग जाइए यहाँ से। नश्तर की तरह जो बात चुपती है हमें, वो बार 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 आप अपनी ज़बान पे ला रहे हैं। तस्वीर के बारीक शीशे से यहाँ ज़ेनब ने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती है। पर असलियत में आपकी बेटी जिंदा है सर, ये ताने ही आप दोनों की बेटी है। हॉस्पिटल में जो ये मुमकिन नहीं है, हम अपनी बेटी खो चुके हैं। देखिए आप लोग जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। This used to be my favorite nursery rhyme book. Is this for a baby? Must be very beautiful, just like you. इज्जत तो उतरी गई है, मेरे ख्याल से यहाँ से चलना चाहिए, हाँ? चलो। हाँ तान्या। लगता है अगर इनकी बेटी जिंदा है भी तो ना ही इन्हें उसकी जरूरत है और ना ही उसका इंतजार। कम ऑन लेट्स गो। चलो कम ऑन लेट्स गो। कम रुकिए, आज तक ऐसा संगदिल बाप खुदा ने नहीं बनाया जिसे अपनी खोई हुई बेटी के लौटने का इंतजार ना हो। अगर तुम हमारी बेटी हो तो बेशक ज़ेनब ठीक हो जाएगी। 24 साल की नाउमीदी में तुम एक पहली उम्मीद बनकर आई हो। मैं कोशिश करूंगी कि वो ठीक हो जाए। नहीं, मुझे यकीन है, यकीन है। 24 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अब तक ज़ेनब ने बिना जिंदगी वाली जिंदगी बिताई है। वो अक्सर अकेली रहती है, खुद से बातें करती है, कभी पर्दों में उलझती है तो कभी दीवारों को ताकती रहती है। तानिया, उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है, एक जिसमें जानशीन का साथ है और एक जिसमें जानशीन पास एक ख्वाब है। उस आग में मैंने अपने जानशीन के साथ साथ अपनी ज़ेनब को भी खो दिया। आज तक ना ही उसके जहन में वो आग बुझी है और ना ही मैं उन यादों को मिटा सका हूं। अब जब भी वो कोई आग देखती है, शी जस्ट गेट्स पैरानॉइड, अपने आप को संभाल नहीं पाती वो। दिस लुक्स लाइक अ क्लासिक केस ऑफ डिनायल। वो असलियत मानने को तैयार नहीं है। आपने डॉक्टर्स को तो कंसल्ट किया होगा? हाँ, डॉक्टर्स ने कहा कि उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां उसे सुकून मिले। यह घर उसके माँ बाप का ही था, वो टर्किश डिप्लोमेट्स थे इसलिए इंडिया में कुछ साल रहे। मैं उसे यहां तो ले आया लेकिन हमारे बीच में की दूरी कम नहीं हुई। वो हमेशा घर में गुमसुम सी रहती थी और मैं अपने होटल में बिजी हो गया। होटल? कैसा होटल अंकल? मेरा एक छोटा होटल है विच आई रन डाउन। दैट्स ग्रेट यार, अपने तो रहने खाने का प्रॉब्लम ही सॉल्व। एक सेकंड, तुम तो यहाँ रहोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। दिस इज माय फेवरेट। She wants to sleep. वो बहुत अच्छे हैं मॉम, बहुत लविंग,
बहुत केयरिंग। और माँ वो कैसी है? माँ कैसी होती है मॉम, बिल्कुल आपकी तरह। फिर तो तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। हाँ मिलेगा। आई मिस यू मॉम। मिस यू बेटा। तो कब आना है? आई डोंट नो, मुझे तो अपनी माँ मिल गई है मगर उन्हें अब तक अपनी जानशीन नहीं मिली। ये मोहब्बत कमबख्त कभी दर्द है तो कभी दवा है। फिलहाल दर्द है मेरे लिए, पर जय तो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों जानती हो ना तुम? मैं चाहती हूं जय मुझसे उतना ही प्यार करे जितना प्यार आप अपनी ज़ैनब से करते हैं। प्यार तो हम उनसे बेशुमार करते हैं पर हम यहां अकेले हैं और वो वहां तन्हा। डैड, अपनी बेटी के सामने दो एक आंसू बहाना अलाउड होता है? इस घर से उस दुनिया से उन्हें बाहर लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी हर आने वाली सांस से ज्यादा उस पल का इंतजार रहेगा। I'll try my best. I promise. Thank you. God bless. He promised he'd bring me a bunch of blue ribbons to tie up my bonny brown hair. To tie up my bonny brown hair. You fill up my senses like a night in the forest. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill me again. Good evening. Good evening. Are you cold? हाँ, आज काफी ठंड है। Ah, these flowers are so beautiful. उसे मत चलाओ। क्यों? क्या हुआ? Please put it off. आपको आग से डर लगता है? Yes. Please put it off. देखिए इसे, आप इसे डरिए मत। पुरानी यादों को याद कीजिए, उस डर को दिल से बाहर निकाल दीजिए, असलियत का सामना कीजिए, इसे याद कीजिए, उन यादों को वापस आ जाइए इस दुनिया में जहां हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाने शान अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। No, you're lying. तुम झूठ बोल रहे हो। My Janishan can never die. हमारी जाने शान अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। नहीं मर सकती। You're not there. You were never there. Hiçbir zaman yokmuştun ki zaten.
I'm so sorry. I'm so sorry. It's been 24 years since you were waiting for me. Janashini khush ki zaat hai. Tamam janam. Janashini khush zaat hai. Jo ke huzur dil hai. Tanya ne mujhe sach ka ehsaas dilaya. Tamam janam, tamam. Sab theek hai. Zainab ko to sula diya maine. But beta, thank you. Thank you for everything. Really, God bless you. God bless. अरे कहाँ रखूँ भैया इसे? वहाँ रखना, वहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा। Thanks for that, right? मैं सोच ही रहा था कि पार्टी होनी चाहिए, और तुम लोगों ने पहले से तैयारियाँ कर ली। Yes. Good. और महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए अंकल हम लोग भी आ गए। Hey guys, you're very welcome. अच्छा भाई मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं। क्या हुआ? आप मत बताइएगा, मैं उन्हें बताऊंगी। क्या? यही कि मैं उनकी बेटी, उनकी जानशीन हूँ। तानिया, ज़ैनब से तुम ऐसा नहीं कहोगी। क्यों? वो तो ठीक हो चुकी है, उन्हें ये सच बताया जा सकता है। पर ये सच सच नहीं है। लेकिन तानिया आपकी बेटी है, ये तो सच है। अफसोस नहीं, सच तो यह है कि ज़ैनब के इलाज के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। सच तो यह है कि इन्हीं हाथों ने हमारी जानशीन को दफन किया है। ज़ैनब ने आज जाकर उसकी मौत को कबूल किया है। और मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप? आपकी वाइफ ठीक हो गई ये सोचकर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और तानिया, आपके इस झूठ से इसके दिल पर क्या गुजरेगी ये सोचा आपने? बट मिस्टर जरदारी, तानिया बेचारी मान चुकी थी कि उसके मां बाप दोनों उसे मिल गए। आपने तानिया के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। देखो मैं बहुत गलत किया है। अब तुम कहां जा रही हो तानिया? तानिया, ज़ैनब जी को बुलाने। तानिया तानिया, ज़ैनब से कुछ मत कहना। देखो गलती तो मुझसे हुई है तानिया, प्लीज। देखो वो तुम पे भरोसा करने लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। जो ग्यूजेल, सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फॉर अ पार्टी। या सी दोस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्या ओकेजन है? इट्स माय फेयरवेल। फेयरवेल? हम सब कल वापस जा रहे हैं। प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, मत जाओ। नो लूरो नो सोलार मिसन गित मिसन। तमाम। लुत्फे नो नो सोलार मिसन गित मिसन दी। मेरा बस चलता तो मैं उसे जरूर रोक लेता, लेकिन नो स्टॉप हर। रुक सकती तो रुक जाती, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई हैव समथिंग फॉर यू अल्ताफ। ओ गिट मैसन, लुत्फेन, प्लीज स्टॉप हर। Absolute pleasure. Thank you. Thank you.
You know, Tanya, तुम्हारा साथ तो ऐसा था जैसे जन्नत से जानशीन हमारे साथ चंद लम्हे गुजारने आई थी। दुआ करते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप जल्द मिल जाए। जैनब ने तुम्हारे लिए दरवेश लिया है। फॉर योर गुड लक। We will miss you very much. Bye. यार कुकी, मुझसे ताने की हालत देखी नहीं जाती यार। देख तो मैं भी नहीं सकता यार, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आई थिंक कर सकते हैं। क्या? ये सारी फाइल्स की लिस्ट है जी, इन्हें ठीक तरह से अपडेट करना, समझे? सॉरी जमाइला। अरे क्या बार बार इधर पिकनिक बनाने को आता क्या? अरे सर ऐसा नहीं है, हम लोगों से वॉल्टोर क्यों कराते हो? और क्यों बाबा गलत नाम लेके ताने का दिल दुखाते हो और हमारा पैसा खर्च करवाते हो? और आपके वार्ड ए और बी के चक्कर में क्यों घुमाते हो? इस बार हम खुद ढूंढ लेते हैं फाइल, प्लीज। देखो फाइल तीन टाइप की होती है। मेरे बाप, तीन नहीं, इस चक्कर में दो जगह घुमाया है। नेक्स्ट चाय नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोला मैं। अरे सर आप नाराज मत होइए, देखिए प्लीज, सॉरी नाराज मत होइए, हम लोग इतना कह रहे थे कि आप इतने बड़े अफसर हैं, अच्छा नहीं लगता ना एक छोटी सी चीज के लिए आप इतनी तकलीफ उठाएं। आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं फाइल। तुम ढूंढेगा? जी हाँ। तानिया की लाइफ की एबीसीडी भी ए पे आके अटक जाती है। घूम फिर के सिर्फ दो ही नाम, ए फॉर अभय प्रताप सिंह, ए फॉर अल्ताफ। एक नाम और भी है। कौन सा? टोनी कोस्टेलो। डूड तू कभी स्कूल गया कि नहीं? टोनी टी से शुरू होता भैया, टी। लेकिन यहाँ टोनी ए से शुरू हो सकता है। ए से? टोनी इज शॉर्ट फॉर एंथनी, एंथनी कोस्टेलो। ये देख, टोनी गर्ल सरगांव गोवा, समझा? इतना खुश बताया मैंने यार, मूड ऑफ हो गया मेरा यार। क्या हुआ? We have a problem, uncle. गोवा नहीं जाना बेटा। अरे इस हॉस्पिटल वाले किस्से के बारे में तो मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं है ना? जब मैं वहां से गुजरा तो काफी आग फैल चुकी थी अस्पताल में, लोग बेचारे बदहाल भाग रहे थे इधर से उधर, अपनी जान बचा रहे हैं किसी तरह, चीखते हैं चिल्ला रहे हैं। काफी लोगों को हम बाहर ले भी आए, फिर मुड़कर देखा कि शायद कोई रह तो नहीं गया, तो मेरे बिल्कुल सामने थी तुम, न रो रही थी न चिल्ला रही थी न शोर मचा रही थी, बस अपनी गोल गोल खूबसूरत आंखों से मुझे देख रही थी। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मेरी फौज की सारी ट्रेनिंग, इस शहर में मेरी पोस्टिंग, ठीक उस वक्त वहां से गुजरना सब इसीलिए था कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें गोवा जाना चाहिए। क्या तुम फिर नाकाम हो जाओगी? हो सकता है। क्या तकलीफ होगी? जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी बेटी तकलीफों से डर के भागने वाली नहीं है, है ना? Love you. I love you too, मेरा बहादुर बेटा। जाने कैसा है ये सफर आखिरी, किस्मत पे यकीन तो अब दिल को नहीं।
तानिया, दिस इज कार्निवल टाइम इन गोवा और अब ये लास्ट होटल बचा है। यहाँ हमें एक रूम भी मिल गया ना तो विल बी लकी। अरे रह लेंगे यार, मैं ताने के साथ रूम शेयर कर लूंगा, तू बाथरूम में सो जाना। ओह रियली? या 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 या। हाँ, चलो यार रूम वूम का कुछ कर लेते हैं। हम लोग गोवा पहुंच गए, बस हेलो होटल में चेक इन कर रहे हैं। ओह यू लाइक द पिक्चर? या। एक्सक्यूज मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? बहुत कुछ, फिलहाल तो एक रूम चाहिए सिर्फ तीन लोगों के लिए। सॉरी सर, वी हैव नो वैकेंसी। मरवा दिया यार टोनी कॉस्टेलो ने। एक्सक्यूज मी, हाँ टोनी कॉस्टेलो, आप उनका गेस्ट हो? अनिशा, प्रेसिडेंशियल स्वीट। श्योर सर। प्रेसिडेंशियल स्वीट? लेकिन इसका टैरिफ क्या होगा भाई? क्यों सर मजाक कर रहे हो, टोनी सर के गेस्ट तो हमारे गेस्ट हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, व्हाट अ सरप्राइज, आप सब एक साथ मेरे घर पे, ये अचानक कैसे आना हुआ? अरे अचानक तो तुम हमें छोड़ के चले गई थी, हमने एक बेटी को पाया और दूसरी को खो दिया, क्या हमारी दो दो बेटियां नहीं हो सकती तानिया? I'm sorry, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये लगा कि माँ बाप वही होते हैं जो पैदा करते हैं। ठीक है, हमने तुम्हें पैदा तो नहीं किया लेकिन प्यार तो किया है ना। मैं तुम्हें तो नहीं रोक पाया लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं जैनब के आंसू नहीं रोक पाया। मिस्टर एंड मिसेस जरदारी और मैं अगली फ्लाइट से गोवा पहुंच रहे हैं। और तुम्हारे डैड के आते ही हम लोग भी गाड़ी लेके निकल जाएंगे और तुम्हारा बर्थडे हम सब गोवा में मनाएंगे। लव यू मॉम, लव यू ऑल। कहां कहां से वो सब आए हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने, पर इज माय बर्थ वर्थ सेलिब्रेटिंग? जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो माँ बाप इस सेलिब्रेशन में नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, बहुत तलाश किया, पर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब आखिर नहीं दिया। इसका जवाब सिर्फ तुम्हें पता है। यहाँ गोवा में एक आखिरी होपलेस कोशिश, इसके बाद मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं। इतना अंधेरा क्यों है? जय तानिया, थैंक गॉड तुम लोग भी यहीं हो। गाइस, वेयर आर वी? गेट अप। कौन हो तुम? अरे टोनी कॉस्टेलो का नाम सुना है? भाई गाइस, हमें सुना है, वो हमारा बॉस है। अरे वो हमारा बाप है, आई मीन इसका बाप है। टोनी कॉस्टेलो अक्खा गोवा का बाप है। भाई साहब ये सब तो ठीक है लेकिन ये पूरे गोवा का बाप टोनी कॉस्टेलो मिलेगा कहाँ? बॉस, कुछ लोग मुंबई से यहाँ गोवा आकर होटल में आपके नाम से ऐश कर रहे थे, अपन उन सबको पकड़ कर यहाँ ले आया है। अपन को तो वो सब के सब फ्रॉड लगते हैं, पर उनमें जो लड़की है वो कहती है कि उसके बाप का नाम टोनी कॉस्टेलो है। मेरे डैड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कर्नल रवि कपूर, और वो यहां आ रहे हैं, आ रहे हैं वो यहां।
अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप किया है तो वो कुछ करेंगे। पता है क्या करेंगे? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। सॉरी बस सॉरी, दरअसल ये छोकरी आपको डराने की ट्राई मार रही है। तुम लोग टोनी कॉस्टेलो को ढूंढ रहे हो क्यों? क्योंकि टोनी कॉस्टेलो मेरे फादर का नाम है। अभी तो तुम बोला कि तुम्हारे फादर का नाम रवि कपूर है। वो भी मेरे डैड हैं। कितने डैडी हैं तुम्हारे? दो और हैं सर, राणा अभय प्रताप सिंह राजस्थान और अल्ताफ जरदारी फ्रॉम टर्की। फिलहाल तो चार का ही पता है सर। कुकी क्या ना सर, बचपन से ही बाप का प्यार नहीं मिला सर। अनाथ है बेचारी, इसलिए किसी भी पापा को देख के अपना आपा खो बैठती है सर। बट यू डोंट वरी बरी सर, यहां से निकलते किसी अच्छे से डॉक्टर से बढ़िया सा इलाज कराएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। सिट डाउन। ये दोनों तो पागल हैं। तुम एक नॉर्मल आदमी लगते हो। ये दो पागल के साथ एक नॉर्मल आदमी जब घूमता है कोई बात तो होता है। क्या बात है? 24 साल पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में आग लगी थी। एक दिन की तान्या अपने असली मां बाप से बिछड़ गई। 6 महीने से हम लोग इसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली जाके पता लगा है कि इसके फादर का नाम टोनी कॉस्टेलो है और वो यहीं कहीं गोवा में है। लेकिन गोवा में तो बहुत से टोनी कॉस्टेलो हैं। सर आपका नाम भी तो टोनी कॉस्टेलो है। आप भी इसके फादर? बॉस ये एकदम फ्रॉड लोग हैं, मैं तो बोलता हूं उनको काट के बैम। जब तक सच और झूठ का पता नहीं चल जाता ये लोग यहीं रहेंगे। कार्निवल है, नॉन स्टॉप पार्टी, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन यहां से बाहर जाने की कोशिश मत करना। हाउस अरेस्ट, आई मीन स्टे हियर, क्यों? सैम? यस सर। सर्च करो, पूरा गोवा में सर्च करो कितना टोनी कॉस्टेलो है और उनमें से इस लड़के का फादर कौन है। मिल जाए तो इन्हें सेफली उसके पास पहुंचा दो, अदरवाइज। ओके सर। बॉस बोलो। सैम वन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? उसका बाप मिले ना मिले अब उनको क्या, पर उनको घर रखने की क्या जरूरत? जरूरत है सैम, हो सकता है ये लड़की मेरी डॉटर हो। आपका डॉटर? कैसा? आप तो जब तक शादी नहीं बनाया। शादी नहीं बनाया तो क्या हुआ, रोमांस किया था आज से 24 साल पहले। आई वॉज इन लव, सुजन नाम था उसका। सुजन बिल्कुल तुम्हारे जैसा खूबसूरत चेहरा, वही गुस्सा, वही तेवर। मुझे तो लगता है वो हमारा ही बेटी है। मिस्टर कॉस्टेलो, आपने हमें किडनैप करके या हाउस अरेस्ट करके क्यों रखा है? देखिए आप हमें कहीं जाने नहीं देते और मुझे मेरे डैड को ढूंढना है। सो इतना गुस्सा? तानिया हम तुम्हारा बाप को जानता है। आप मेरे डैड को जानते हैं? वो कुछ दिनों के लिए गोवा से बाहर गया है, जिस तरह तुम अपने बाप की तलाश में भटक रही हो सकता है वो बेचारा भी कहीं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हो। तानिया हमारा दिल कहता है कि तुम उसी का बेटी है। 2 दिन और रुक जाओ, जैसे वो गोवा वापस आएगा मैं उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। हम जानता है तुम्हारे दिल में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, वो आ जाए
तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू मिस्टर कॉस्टेलो। एक बात कहूं तानिया, तुम्हारा हाथ बिल्कुल टॉनी की तरह मजबूत है, हमारा फादर की तरह। कैसा है सुसन? इतने साल बाद मैंने सोचा भूल चुके होंगे। जब तक तुम्हें तुम्हारा जीजस याद रहेगा, तब तक टोनी को उसका सुसन याद रहेगा। अब तक नाराज हो जीजस से? बिकॉज आई लव यू सुसन। सिस्टर सुसन? नो, नेवर। ओह होली जीसस, तुम्हारा जीसस के पास हमें देने के लिए है ही क्या? टॉनी, मैं तुम्हारा हेल्प कर पाई तो जरूर करूंगी, लेकिन मेरे पास है ही क्या जो मैं? हमारा डॉटर। गॉड ब्लेस यू सुसन। सुसन, एक लड़की आया है मुंबई से अपना फादर मदर की तलाश में। टॉनी कॉस्टेलो बताती है अपना फादर का नाम। मुझे लगता है वो हमारा ही बेटी है। उसका शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है सुसन। प्लीज बता दो सुसन, सुसन अगर वो हमारा बेटी निकला तो हम दोनों के बीच में ना तुम आएगा ना तुम्हारा जीजस आएगा। हेलो, बोलो। मैं सिस्टर सुसन बोल रही हूँ। किसकी सिस्टर? 24th August 1986 में मैं सुसन डिमेलो आपके मैटरनिटी वार्ड सी में एडमिट थी, जहां मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था। मुझे उसके बारे में पूछना है। अरे बाबा, कभी लड़की बाप को ढूंढने निकलती है, कभी माँ का फोन आता है लड़की किधर है, रह 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 रह। ये हॉस्पिटल का कुंभ का मेला। मैडम, इधर एक फाइल घूम जाता है ना तो 3-4 साल लगता है ढूंढने को, और तुम 24 साल पहले का बात करता है बच्ची की तरह। बच्ची के चलाने का भी ये डिस्कवरी चैनल नहीं है। लिसन टू मी डॉक्टर। बोल फुटे। डॉक्टर सर, आपका फोन है। कोई सुसन है, सिस्टर सुसन। सिस्टर सुसन? ओ हाँ सुसन, बोलो। वो यहाँ से कब निकलेंगे? I just hate this place. हमारे पीछे बंदूक उठा के कब से? I mean, it's okay. Just keep quiet, okay? तीज है, पोल है, लड़कियाँ भी हैं। कुकी, ये तुम लोग मुंडी लटका कर क्यों घूम रहे हो भाई? लगता है फ्यूनरल पे हो। कम ऑन, चेयर अप। एक एक फोटो लो हमारी। आओ आओ आओ, इधर आओ, आओ। सर अभी मेरा कैमरा नहीं है मेरे पास। कैमरा है मेरे पास भाई, ये लो ये लो। आ आ आ, पेश आ पेश, ऊपर से। हाँ, ये स्माइल हंसना। हम लोग सेफ है, पर यहां तो उन पर ही गोलियां चल रही है। मम्मी, लेके जाओ संदे को। तन्या, आर यू ओके? दिस इज जस्ट डिस्गस्टिंग। कहां फंस गए हम? ये तो गैंग वॉर है। और मुझसे झूठ बोलता है कि वो मेरे फादर को जानता है। अगर मेरे डैड इस आदमी के दोस्त होते तो वो भी इसी की तरह एक क्रिमिनल होते। पता नहीं क्यों इसकी बातों से ऐसे लगा कि शायद
शायद यही मेरे डैड है। ड्रामा कर रहा है अपने काले धंधे पर पर्दा डालने के लिए। बाय चांस अगर ये गुंडा मेरा फादर हुआ भी तो भी मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं दम घुट जाएगा यहाँ, लेकिन इस गुंडे के पास यहाँ कौन रहेगा? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है चलो। बॉस आपका अंदाजा सही निकला, तानिया आप ही की बेटी है। हमारा दिल कहता था तानिया हमारा ही बेटी है, मगर हमारा तानिया तो बहुत नफरत करता है हमसे, बहुत नफरत करता है। कैसे सामना करूंगा उसका? बहुत अच्छी फैमिली है, बट आई एम सॉरी तुम उसे मिल नहीं सकती। मुझे मालूम है डॉक्टर, मेरा उस पर अब कोई राइट नहीं है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है, वो जहां भी रहे खुश रहे। तानिया ही हमारा डॉटर है, लेकिन वो हमको बहुत हेट करता है, गुंडा बोलता है हमको, गुंडा समझता है। कैसे बोलेगा हम उसका फादर है? ऐसी बात नहीं है बॉस, दरअसल अर्जुन तलक बेबी को पता ही नहीं है। जब उसको पता पड़ेगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि आप ही जो उसका फादर है, फिर देखिए कितना लव करेगी आपसे, बहुत लव करेगी आपसे वो। हाँ तो ठीक कहते हैं साहब जी, तो ठीक कहता है। आए हम तानिया से सब बोल लेगा कि हम उसका फादर है, वो हमारा डॉटर है। आज सब सब कुछ बोल देगा उसको, सब बोल देगा। हमारा डॉटर किधर है, किधर है हमारा डॉटर? हम टोनी तुम्हारा फादर, टोनी कॉस्टेलो जिसका तलाश में तुम गोवाया है, हमसे डर के छुप गया तुम कहीं? हाँ तुम हेट करते हैं ना अपने को, बट आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू। बहुत सफर किया है हमने। ये सुनो, सुनो तुम्हारा मदर क्या बोलता है, सुनो जरा। लिसन टू मी डॉक्टर, 24th August 1986 में मैं सुजन टिमेलो आपके मेटर्निटी वार्ड सी में एडमिट थी, जहां मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था, पर उसके फादर के क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें 12 साल की जेल हो गई, और उस मजबूरी में मुझे अपनी बच्ची को अडॉप्शन के लिए आपके पास छोड़ना पड़ा, याद है ना डॉक्टर? क्योंकि मैं अपनी बच्ची को टोनी की काली दुनिया से दूर रखना चाहती थी। कौन टोनी? एंटोनी, एंटोनी कोस्टेलो। तुम्हारा मदर राइट है, तुम भी राइट है, रॉन्ग तो साला टोनी है ना, ये टोनी। हम तुम्हारा मदर से बहुत लव करता है। 12 साल बाद जब हम जेल से बाहर आया, बहुत सर्च किया तुम्हारा मदर को, कहीं नहीं मिला। एक दिन थक हार कर गॉड के घर चला गया पूछने हमारा सुजन किधर है। उस दिन गॉड ने हमको हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा शौक दिया, बहुत बड़ा शौक दिया। हमारा सुजन तुम्हारा मदर नन बन गया, हमारा जिंदगी खलास हो गया, खलास हो गया हमारा जिंदगी। 24 साल तुम दोनों के बगैर कैसे गुजारा, हमारा दिल जानता है, दिल जानता है हमारा। 24 साल तुम्हें जो प्यार हम दे ना सका, वो सारा प्यार हम तुम्हें देगा, तुम्हें सीने से लगा के रखेगा अपने, मेरे बेटे तुम अपना इस गुंडा फादर को माफ कर देना बेटे, अपने गुंडा फादर को माफ कर देना, माफ कर देना। तुम्हें टोनी कॉस्टेलो से डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि टोनी कॉस्टेलो जय के होने वाले फ्यूचर फादर इन लॉ है। फ्यूचर फादर इन लॉ? अरे हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? हेलो बॉस, वो लड़की टोनी कॉस्टेलो की बेटी है,
बॉस को घर से बाहर निकल आई है। उसको उठा के काली मिट्टी गोदी पर लाओ। समझ गया। I know what I'm going now to meet my mother. Yeah. कहानी में ट्विस्ट। अब ये मदर कौन है? Listen, तुम मुझसे मिली हो? नहीं, मैं अभी मिलने जा रही हूँ उन्हें। I can't wait to see her, yeah. And she's a nun. Nun? Fast. She's a nun? How's that possible? How's that possible? पता नहीं यार। सुनो, तुम लोग बैग जल्दी से रखे, सेंट जॉन चर्च आ जाना। तान्या, दोनों बैग मैं कैसे उठाऊँ यार? अबे रुक, अबे रुक। हेलो अंकल, तान्या को किसने किडनैप कर लिया? तान्या को किडनैप कर दिया? तान्या को किडनैप कर लिया? व्हाट आर यू सेइंग? और मुझे पता चला है कि टोनी का दुश्मन डैनी और उसके आदमी तान्या को पंजिम में काली गोदी की तरफ ले गए। तान्या, तान्या, तान्या। लेकिन दुश्मनी उनकी अपनी है, इसमें हमारी बेटी का क्या दोष है? वो सब छोड़ियो, जो पूछे वो कहा है? तान्या को पंजिम में जो काली गोदी है वहां ले गए। काली गोदी? काली गोदी तो तुम है टोनी का वीकनेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, हाउ आर यू बेटा? सॉरी, इंट्रोड्यूस करता है, माइसेल्फ डैनी, अंकल डैन, तुम्हारा फादर का पुराना ओल्ड फ्रेंड। लेकिन हमको तुम्हारा फादर से बहुत डर लगता है। क्या है, वो मुंह से नहीं हाथ से बात करता है। अपन को गोवा की मिट्टी से बहुत प्यार है, लेकिन अभी इधर में एक किस चीज को मांगता है, डैनी या टोनी, इसलिए हम तुमको किडनैप किया। प्लीज डोंट माइंड। हाँ, अभी हम तुमको लटकाएगा, टोनी को तड़ पाएगा, फिर से अच्छा टाइम आएगा। हेलो टोनी, फॉर यू आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि तुम दुनिया में अकेला नहीं है, तुम्हारा एक बेटी भी है। और बैड न्यूज ये है कि वो अंकल डैनी के पास है। अगर तुमको तुम्हारा डॉटर मांगता है तो मेरा सरकार का प्रॉपर्टी पेपर साइन और स्टैम्प करके मेरे को भिजवा दो। दो घंटे के बाद पेपर्स मिलते ही मैं तुम्हारा बेटी को कार्निवल में छोड़ दूंगा। ओके? तुम मरेगा साला, डैनी तू मरेगा, हमारा हाथ से मरेगा। Thank you.
Are you all right? देखते हैं तानिया कहाँ है। अरेस्टिन। माय डॉटर। आई एम सॉरी। तो हमसे हमारा डॉटर जुदा कर दिया था, लेकिन आज हम हमारा डॉटर को तुमसे मिलाने आए हैं। माय डॉटर, थैंक यू जीसस। Because I loved you, my child. तुम एक दिन की थी जब हम अलग हुए। उन 24 घंटों के सहारे मेरे 24 साल कट गए। तब अलग होना जरूरी था जितना आज मिलना जरूरी है। अपने डैड से कहो अब तो चर्च में आकर कैंडल जलाएं। जीसस ने तुमको जो मिला दिया इनसे। अपने माँ से कहो टोनी कभी चर्च में नहीं जाएगा। कभी नहीं? नो, नेवर। मेरी शादी के लिए भी नहीं। Love you, my daughter. Congratulations, Mr. and Mrs. Kapoor. आपकी बेटी को ले जा रहा हूं। थैंक यू ओ खुदा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। वो तानिया जिसने अपने पेरेंट्स की तलाश में सफर शुरू किया था, सफर खत्म होने पर वो तानिया चार चार पेरेंट्स वाली बेटी हो गई।
और जय, जो मेरे इस मुश्किल सफर का हम सफर था, वो मेरी जिंदगी का हम सफर हो गया. एंड सो नो मोर क्वेश्चंस. Janishin is getting married. She's looking beautiful. Yes, she is. ऊपर वाला अपने हर बंदे के साथ जो भी करता है अच्छा ही करता है. Do you, Jay Vishal Singh, take Tanya Anthony Costello as your legally wedded wife? I do. Do you, Tanya Anthony Costello, take Jay Vishal Singh as your legally wedded husband? I do. I now pronounce you man and wife. Congratulations. You may now kiss the bride.